आपके अपने चैनल जोगी सर की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हमें प्लस टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 सॉल्व कर रहे हैं। क्या कहता है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो, एग्जिस्ट कब करते हैं, व्हेन इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मींस इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो ना हो। तो सबसे पहले हम, लेट इट इज ए मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स का सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 2 × 3, 2 × 3, 6 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 4 × 2 = 8। तो वैल्यू कितनी आ गई, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 14 विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। क्योंकि हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा। अब हमें पता है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 upon डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें उसके क्या निकालने हैं, कोफैक्टर्स निकालने। तो हमारे पास क्या होगा, a11 ये हो जाएगा a12, इसका साइन चेंज कर देंगे हम, माइनस तो आएगा, ये और ये जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 4, और बाहर हमने माइनस लगा दिया। फिर हमने a21 माइनस ये वैल्यू गई, तो माइनस का 2 एंड a22, तो ये वैल्यू जाएगी, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए क्या बन जाएगा, 3 − 4 माइनस माइनस, ये क्या बन जाएगा, प्लस का 2 एंड 2 का ट्रांसपोज लेंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 − 4 और 2 एंड 2। हमने क्या कहा था, ये 2 × 2 में ये इंटरचेंज हो जाएंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, हो गया एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। तो ए इनवर्स जो हमारा होगा, दैट इज यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1 upon डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है 14 और 3 − 2 − 4 = 2, दिस इज आवर ए इनवर्स। सिंपल सा है। यहाँ पे भी हम मान लीजिए ये ए मैट्रिक्स है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए डिटरमिनेंट निकालें, तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, −1 × 2 माइनस का 2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 × 5 = 15, तो कितना बचा 13 हो गया। दैट इज नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। इसका भी ए इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या निकालें, सबसे पहले इनके कोफैक्टर्स निकालते हैं। कोफैक्टर्स सबसे पहले हमने निकाला a11 ये वैल्यू जाएगी, तो वैल्यू हो गई हमारे पास 2 हो गया भाई। a12 ये और ये, लेकिन 1, 2 ओड है, तो यहाँ पे माइनस लगाते हैं, −3, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 3 हो गया। उसके बाद a21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में क्या होगा, इसमें भी पहले माइनस लगेगा एंड देन 5 हो गया। a22 ये वैल्यू जाएगी, तो यहाँ पे क्या बच गया, −1। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ ए कोफैक्टर मैट्रिक्स का हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 − 5, 3 − 1। क्या ये इंटरचेंज हो गए, हो गए, इनका साइन चेंज हो गया, हो गया। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इनवर्स जो होगा, क्या था हमारे पास, 1 upon ए डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 upon एडजॉइंट ए की वैल्यू, सॉरी डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 13 है, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास 2 − 5, 3 − 1, ये हमारा क्या हो गया, इनवर्स हो गया। बड़ा ही सिंपल है। चलिए अब इसके बाद हम इसमें 7th और 8th क्वेश्चन करते हैं, 7th और 8th। अब 7 और 8 करते हैं। 7 में क्या है, 3 × 3 की मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट्स निकालेंगे। तो ए डिटरमिनेंट्स की वैल्यू अगर हमने लेनी है, तो हमारे पास क्या होगा, 1 × ये रो ये कॉलम जाएगा, 5 × 2 = 10 −4 × 0 0 हो गया। मैं इसको अगर कॉलम के हिसाब से एक्सपेंड करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास आगे तो सब कुछ 0 ही हो जाएगा। ठीक
ठीक है, माइनस जीरो प्लस का जीरो मीन्स वन इंटू टेन, हमारे पास डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई, टेन, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ए इनवर्स हमारा क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमने इनके कोफैक्टर्स निकालने हैं, कोफैक्टर्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स ही ले रहा हूं मैं, अब की बार कोफैक्टर जो मैट्रिक्स बनेगी, ए वन वन, ए वन वन, ये वैल्यू, ये वैल्यू जाएगी 5 2 10, 10 माइनस 4, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं मैं कैलकुलेट करके, 5 2 10, 10 माइनस 0, तो यहां पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसके बाद फिर यहां इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में और इस वाले में हमने क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, तो यहां पे पहले हमने क्या लिया, माइनस दिस, दिस ये जाएगा 5 into 0 0 0 into 4 0, तो हमारा 0 ही हो गया, माइनस लगाया ना लगाएं। इसके बाद नेक्स्ट 3 ये जाएगा 0 into 0 and 0 into 0, ये भी क्या हो गया हमारा, 0 हो गया, 10 0 0। इसके बाद 8 2 1, यहाँ से ये वैल्यू जाएगी, ये वैल्यू जाएगी, पहले माइनस लगा लेते हैं, दिस दिस, 5 2 10, 10 माइनस 0, तो यहाँ पे हो गया हमारा माइनस का 10 हो गया। फिर ये कॉलम, ये रो छोड़ेंगे, 5 1 5 माइनस 0, तो क्या हो गया हमारा, 5 हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम पहले माइनस लगा लेते हैं, ये रो, ये कॉलम और ये रो जाएगी 0 into 1 0 0 into 2 0, तो दिस इज 0, माइनस रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये और ये वैल्यू छोड़ेंगे, तो 2 4 8, 8 माइनस 6 मीन्स 2 हो गया। यहाँ पे फिर माइनस ये वैल्यू और ये वैल्यू छोड़ेंगे, 4 1 4 माइनस 0, तो 4 1 4 हो गया भाई। इसके बाद ये यहाँ पे 1 into 2 माइनस 0, तो यहाँ पे हो गया हमारा 2। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है। अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए अगर हम लेंगे, तो इसका क्या लेना होता है, हमने ट्रांसपोज लेना है। अगर मैं इसको बी मान लूँ, तो बी का ट्रांसपोज मीन हमारे पास बन गया 10 0 0 माइनस 10 5 0 एंड 2 माइनस 4 2। सिंपल सा है ये, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं, ए इनवर्स, ए इनवर्स जो होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 अपॉन ए डिटरमिनेंट, ए डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 10 थी, 1 अपॉन 10, और ये वैल्यू रख दीजिए बस, माइनस 10 2 0 5 माइनस 4 एंड 0 0 2 हो जाएगा, दिस इज आवर ए इनवर्स हो गया। सो सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, अब एट्थ में मान लीजिए, फिर हमने इसको ए मैट्रिक्स माना, पहले हम इसका क्या निकाल लें, ए डिटरमिनेंट निकालते हैं, ए डिटरमिनेंट निकालेंगे, 1 into this into this, 1 into 3 into -1 मीन्स माइनस का 3, ये हम एक्सपेंडिंग बाई रो वन कर रहे हैं, ये और ये छोड़ेंगे, माइनस 3 और माइनस का 0 हो गया, बाकी तो सारे 0 ही हो जाएंगे। वैल्यू सोल्व करेंगे, 1 into -3 दैट इज माइनस का 3 एंड माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ऐसा है तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं, कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स हो जाएगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स मान लेते हैं हम, कोफैक्टर मैट्रिक्स ही निकाल रहा हूं मैं डायरेक्ट, जिसको मैंने बी नाम दे दिया। क्या बनेगा, देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू छोड़ेंगे, तो हमारे पास 3 - 1 माइनस का 3, 3 into -1 माइनस 3, 2 into 0 0 माइनस 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे इसको नेगेटिव, इसको नेगेटिव, इसको नेगेटिव और इसको नेगेटिव हमें बनाना है, तो यहाँ माइनस ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे, तो माइनस का 5 into 0 0 हो जाएगा, ये और ये छोड़ेंगे, सॉरी यहाँ पे कैसे होगा, ये कॉलम छोड़ेंगे, ये रो छोड़ेंगे, तो -1 into 3 क्या बनेगा हमारा, माइनस का 3 into ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में कोफैक्टर्स, यहाँ पे छोड़ेंगे हमारे पास क्या बनेगा, 3 2 6, 6 - 15, 6 - 15 मीन्स माइनस का कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। यहाँ से 3 2 6 -15 माइनस का 9 हो गया। इसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस एंड दिस, बट पहले माइनस लगाओगे आप यहाँ पे,
माइनस लगाने से ये वैल्यू और ये वैल्यू जाएगी 1 × 0, 0, ये तो जीरो ही हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे इनको छोड़ेंगे, -1 × 1, माइनस का 1 एंड 0, तो माइनस का 1 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे छोड़ेंगे 2 1, ये 0 हो गया, 2 × 1 माइनस 0, तो यहाँ पे हो गया हमारा 2, बट इसके नाम का क्या आ जाएगा हमारे पास से, माइनस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू जाएगी 0 × 0, 0 × 0, तो हमारे पास क्या हो गया, 0 ही हो गया। इसमें छोड़ेंगे, पहले तो माइनस लेंगे हम, दिस एंड दिस, 0 × 0, तो ये भी हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू छोड़ेंगे, 3 × 1, 3, माइनस का 0, तो ये हो गया हमारा 3। ये हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए क्या बन जाएगा हमारा, बी का ट्रांसपोज हमारा -3 -3 -9 0 -1 -2 0 0 एंड 3। रो को कॉलम में बदल दिया, कॉलम को हमने किस में बदल दिया, रो में बदल दिया। अब हमने क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। व्हाट इज डिटरमिनेंट, -3 है, तो -1/3 ले लिया मैंने, और यहाँ पे -3 0 0 -3 -1 0 -9 -2 एंड 3, ये हमारा क्या आ गया, इसका इनवर्स आ गया। तो देखा आपने, बहुत ही आसान था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।